गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम नगरकोट जा रहे हैं और इसके लिए हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं। काठमांडू से हमने बस ली है और लगभग डिस्टेंस जो है वो 35 किलोमीटर्स का है और इसको कवर करने में लगभग हमें 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। काफ़ी हिली एरिया है ये और बारिश भी हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है और देखते हैं आज हमारा दिन कैसा रहेगा। आज हमें यहाँ पर वैसे तो काफ़ी चीज़ें देखना जा रहे हैं बट मौसम ठीक रहा तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या देख पाएंगे आज। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम नगरकोट पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है और ये बिल्कुल रोड के साथ ही है रास्ता। यहाँ पर छोटा सा बस स्टॉप है जहाँ पर बस ने हमें ड्रॉप कर दिया था। यहाँ से पूरा रास्ता इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। फिसलन भी है, कुछ स्लाइडिंग एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ढलान है। हम जा रहे हैं यहाँ से हमारे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। गाइस, यहाँ का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ के मन एकदम खुश हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ बेंचेस भी इस तरह से दिए हुए हैं, आप यहाँ पर बैठकर सुकून से कुछ पल आप यहाँ पर यहाँ का एनवायरनमेंट को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है जहाँ से आप थोड़ा सा वॉक करके नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ हमें सस्पेंशन ब्रिज नज़र आ रहा है, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये। वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी जो लेंथ है वो 567 मीटर्स है जो कि एक सिंगल स्पैन सस्पेंशन ब्रिज है। और कहा जाता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 92.5 मिलियन नेपाली रुपीस है। और यहाँ का ये जो ब्रिज है ये बहुत ही, यहाँ का अगर हम देखें यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ भी देखिए बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज। और इवन ये जो ब्रिज है वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें रजिस्टर्ड भी है एज अ लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज। और ये जो ब्रिज गाइस, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आप आएँ तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आप यहाँ की खूबसूरती को जो है महसूस कर पाएंगे अच्छे से, नेचर को के इतने पास आप अपने आप को फील कर पाएंगे। इवन आप जब यहाँ आएंगे तो आपका वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बट टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हमें टाइम से यहाँ से निकलना भी पड़ा क्योंकि यहाँ से वापस जाने के लिए बस होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाटरफॉल है जो कि इन पेड़ों के बीच में से हमें नज़र आ रहा है, बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये जो वाटरफॉल है यहाँ तक भी आप जा सकते हैं, नीचे से जो है पैदल जाने का रास्ता है बट वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं था तो इसलिए हम नहीं जा पाए। बस का जो टाइम रहता है यहाँ से वापस जाने का वो लगभग 5:30 के करीब रहता है, तो तब तक आपको इस ब्रिज को कवर करके वापस से जिस रास्ते से आप आए थे जो कि कच्चा रास्ता था वहाँ से वापस आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे बस स्टॉप है और वहाँ से वापस आपको बस मिलेगी। उसके बाद 5:30 के बाद आपको वहाँ से बस नहीं मिलती है, तो इसलिए गाइस जब भी आप आएँ तो टाइम का ज़रूर देख कर चलिएगा। और बाकी हम जहाँ पर जितनी देर तक रुके हमने काफ़ी इन्जॉय किया, सनसेट हो रहा था और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे, इस तरीके से हमें नज़र आ रहा था। देखिए अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, लगभग काफ़ी लोग, पहले यहाँ पे बहुत भीड़ थी बट अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि सबको पता है यहाँ पे वापस जाने के लिए फिर वो कोई जो है यहाँ से वापस जाने के लिए और कोई साधन नहीं मिलेगा आपको तो अगर आप खुद के व्हीकल से आए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट
ऑलमोस्ट जो है टूरिस्ट यहाँ से जो बाहर से आते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है बसेस के थ्रू या कैब वगैरह करके ही आते हैं। तो बसेस का हम लोग बस से आए थे तो हमने बस का आपको बता दिया है टाइमिंग क्या रहेगा। और अब हम चलते हैं वापस यहाँ से, कुछ टूरिस्ट भी अभी हैं यहाँ। कोशिश कीजिएगा गाइस जब आप आए यहाँ तो बिल्कुल एंड पॉइंट तक ज़रूर जाइएगा, बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी इस वजह से बिल्कुल एंड तक मैं नहीं जा पाई, बीच में से ही वापस आ गई। बट आप लोग आए तो कंप्लीट एंड पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज़रूर जाइएगा, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। वापस से अब हम अपने बस स्टॉप पर आ चुके हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है, लकीली जब तक हम ब्रिज पे थे बारिश नहीं आई थी तो हमारा पूरा टाइम अच्छे से एंजॉय कर पाए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।